हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास है उत्तराखंड की और इसमें हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल को समझने के लिए इस पीडीएफ का को अगर आप स्टडी करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो एक कंफ्यूजन रहता है पूरे पूरा जो उत्तराखंड है उसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन से जगह पर कौन से राजाओं का शासन था। और एक टाइम ड्यूरेशन तो ऐसा था कि जहां पर कि तीन तीन जगह पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मैदानी क्षेत्रों में था उसमें अलग लोग शासन कर रहे थे, और जो उत्तराखंड या हिमाचल रोहिलखंड का जो एरिया था उसमें अलग लोग शासन कर रहे थे, और यौधेय वंश जो कि जौनसार भाबर देहरादून तथा कालो डांडा, ये इन स्थानों पर क्या कर रहे थे, एक ही साथ तीन तीन लोगों का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। तो अगर हम इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये हमें बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा, और एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है और आपका जो एक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा हिस्ट्री के लिए उत्तराखंड की, वो आप लोगों को हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आगे स्टडी करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उत्तराखंड का जो अधिकांश भाग था वो बीहड़ था और जंगलों से भरा हुआ था, इसलिए किसी अस्थायी राज्य की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। उत्तराखंड का जितना भी ऐतिहासिक नॉलेज हमें है वो बहुत 100% करेक्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में बहुत सारी चीजों का गैप है। लेकिन फिर भी जो चीजें हमें मिली हैं उनसे हम एक जो सीक्वेंस है उसे बनाने की कोशिश की है, और अलग अलग बुक्स को स्टडी करने के बाद में चीजों को जो एक तथ्य जो करेक्ट आप लोगों के फैक्ट्स हैं उनसे यहाँ पर उन चीजों को ही लाने की कोशिश की है। तो आप कुडिन शासन से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ये प्रथम शक्ति थी और ये तीसरी चौथी भी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो पहला कौन सा था, कुडिन। तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो कौन थे, कुडिन। ठीक है, तो कुडिन से हम शुरुआत कर रहे हैं, प्रथम शक्ति थी। देहरादून के कालसी से प्राप्त अशोक के शिलालेख से इनके लिए पुलिंद और क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो कालसी में इनको कुडिन को पुलिंद शब्द भी यूज हुआ है। और अशोक, अब क्योंकि अशोक का शिलालेख वहां पर है और उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है, अपरांत शब्द भी प्रयोग किया गया है इस क्षेत्र के लिए। ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द किया गया है और यहाँ पर जो शासन कर रहे थे कुडिन उनके लिए पुलिंद शब्द यूज किया गया है। अमोघभूति, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे और रजत और ताम्र मुद्राएं इनकी मिली हैं और उन पर देवी और मृग का अंकन मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो इनका अमोघभूति जो थे उनके जो मुद्राएं थी उन पर हमें कौन कौन सी चीजों का अंकन मिलता है, तो वह एक है देवी और मृग। आशिक, गोमित्र, हरिदत्त, शिवदत्त, ये इन राजाओं के नाम हमें अल्मोड़ा से प्राप्त कुडिंद वंश की मुद्राओं से ही इन लोगों के नाम प्राप्त होते हैं। तो अब इससे एक आइडिया लगाइए कि क्योंकि ये मुद्राएं कहाँ पर मिल रही है हमें, अल्मोड़ा में मिल रही है, तो वहां शासन माना जा सकता है। अमोघभूति की मृत्यु के बाद में यहाँ पे शक राजवंश। अब देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब भी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, चाहे परीक्षा वाणी पढ़ेंगे या कोई और बुक पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि एक सीक्वेंस समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मैदानी क्षेत्र थे उसमें शक राजवंश थे, कुमाऊं में शक संवत, असुरिया मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण, इन चीजों से हमें पता चलता है कि शक राजवंश यहाँ पर उनका प्रभुत्व था या वो वहां पर शासन कर रहे थे। ठीक है, अल्मोड़ा का कटारमल का जो मंदिर है, इधर मैंने आप लोगों को अभी बताया था जो सेकंड थे वो कौन थे, कुडिंद चल रहे थे। वो कहाँ पर चल रहे थे, वो आप लोगों का उत्तराखंड, हिमाचल, रॉयलगढ़ इस वाले एरिया में इनका शासन चल रहा था। किरतपुर के कुडिंद की सत्ता के बाद वहां पर आए थे नागवंश और फिर उसके बाद आए कन्नौज के मौखरी वंश, इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। और जो तीसरे थे वो थे यौधेय वंश। यौधेय वंश जौनसार भाबर, ये देहरादून का क्षेत्र था, और कालो डांडा ये पौड़ी में आप लोगों का है से मुद्राएं प्राप्त हुई थी। और कालो डांडा जिसको कि आज क्या कहते हैं हम लोग, लैंसडाउन जो है प्लेस है। कन्नौज के मौखरी वंश की सत्ता रही नागवंश के बाद में, इसके बाद वर्धन वंश, हर्षवर्धन, बाणभद्र के हर्षचरित में हर्ष के शासन के में आने वाले लोगों का भी यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि वेनशांग। वेनशांग ने पोली हिमोपोलो शब्द का ब्रह्मपुर के लिए, और यहाँ पर अंग्रेज इतिहासकार कनिंगम ने गढ़वाल और प्लस कुमायो को ब्रह्मपुर बताया है।
ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जो अंग्रेज इतिहासकार थे कनिंगम, उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए ही क्या किया था, ब्रह्मपुर शब्द यूज किया था। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे शक के बाद यहाँ पे कुषाण का शासन था जो कि सिर्फ तराई क्षेत्रों पे था। वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविषाण, काशीपुर, ये इनके प्राचीन नाम है जो कि हमें मिलते हैं शिलालेखों या मुद्राओं पर। नए राजवंश गोविषाण, कालशी, लाखमंड और कोडिंद भी यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तीनों कर रहे थे। अब क्या होता है कि हर्ष की मृत्यु हो जाती है और हर्ष की मृत्यु के बाद बहुराजकता का युग आ जाता है। इसमें कौन कौन से यहाँ पर शासन कर रहे थे, ब्रह्मपुर राज्य में पौरव चौहान, दक्षिणी उत्तराखंड में और पूर्वी उत्तराखंड में तोमर, पूर्वी उत्तराखंड में क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। अराजकता की स्थिति की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के आने के बाद। प्रथम राजधानी इन्होंने जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर को बनाया था, इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ या बागेश्वर में इन्होंने बनाई थी। बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ स्थलों से कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेख के आधार पर ये बातें कही जा सकती है। तो आप लोगों को ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी लिपि वहां पर मिलती थी, तो वो थी आप लोगों की कुटिला लिपि। कुमायूं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कार्तिकेयपुर को ही माना जाता है, कत्यूरी वंश। यहाँ पे आते हैं, आगे चलते हैं। बसंत देव, ये बागेश्वर लेख के अनुसार प्रथम राजा थे। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने रखी थी और बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम में दान में दिया था, ठीक है। इसके बाद किसी का उल्लेख नहीं है। खरपरदेव वंश, बसंत खाए नींबू, ये मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि इसके बाद निम्बर वंश आने वाला होगा नीचे, तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया था कि बसंत खाए नींबू। बसंत, खरपरदेव और निम्बर वंश, आपको कम से कम एक सीक्वेंस याद हो जाएगा इससे। खरपरदेव वंश कल्याण की राज तरंगिणी पुस्तक में इसका वर्णन है। खरपरदेव यहाँ पे कल्याण कल्याण राज पौत्र कौन से थे, त्रिभुवन राज, परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर की इन्होंने उपाधि ली थी। व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को इन्होंने भूमि दान दिया था, ये बागेश्वर लेख में हमें मिलता है। इसके बाद आता है निम्बर वंश। ये निम्बर वंश जो थे ये शैव मतावलंबी थे। निम्बर पुत्र इनके बेटे थे इष्टगण। निम्बर जागेश्वर में विमानों का इन्होंने निर्माण करवाया था। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में नव दुर्गा, महिष मर्दनी, लकुलीश और नटराज मंदिर, इन मंदिरों को का इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था। इनके पुत्र हुए थे ललित, शूर, देव। पांडुकेश्वर में ताम्रपत्र में इसे काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार भी माना जाता है। ललितपुर ललित शूरदेव को। इनके पुत्र हुए भूदेव। भूदेव बौद्ध धर्म का इन्होंने विरोध किया और बैजनाथ मंदिर का निर्माण में इन्होंने सहयोग भी किया था। इसके बाद आ जाते हैं सलोड़ादित्य वंश। इच्छरदेव सलोड़ादित्य का पुत्र था। बालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त शिला ताम्रलेखों से ये बात हमें मिलती है। तो ताम्रलेख ज्यादा उत्तराखंड में ज्यादा सबसे ज्यादा जो है इतिहास के स्रोत अगर हम मान के चले तो ताम्रलेख ही है। भुवन विख्यात दुर्धाराती सीमावंती सीमानविनी सॉरी एंड वैद्य वैधत्य दीक्षादान दक्षेक गुरु, ठीक है। ये लिखा गया है इनका इनके जो ताम्रलेख है उसमें। विश्व विख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधव्य की दीक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि इन्होंने ली थी, काफी बड़ी उपाधि इन्होंने ली थी। देशदेव, पद्मदेव, सुभिक्ष, राजदेव आदि इनके बाद में राजा हुए थे। उसके बाद आते हैं आसंतिदेव वंश। आसंतिदेव प्रथम शासक थे, ब्रह्मदेव अंतिम शासक, अत्याचारी एवं कामुक। जागरों में इसे वीरम देव भी कहा गया था। जो ब्रह्मदेव है उसका नाम क्या कहा गया, वीरम देव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के निवासी, ये इतिहासकार लक्ष्मी दत्त के अनुसार है। अगर ये पूछा जाए कि इतिहासकार लक्ष्मी दत्त के अनुसार जो कार्तिकेयपुर के राजा थे वो कहाँ से थे, तो मूलतः ये अयोध्या के निवासी बताए जाते हैं। राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माना जाता है। इनके इष्ट देवता कार्तिकेय, कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को लोक देवता मानती है। इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, जबकि जो लोक भाषा थी वो आपकी क्या थी, पाली थी। इसके बाद के नोट्स हम स्टडी करने वाले हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।